भगवा वस्त्र और हाथ में धनुष लिए जब एक नन्हा रामलला का रायपुर के राम मंदिर में प्रवेश होता है, तब सबकी निगाहें टिके रह जाती हैं। दरअसल पूरे देश समेत छत्तीसगढ़ में इन दिनों राममय की गूंज है। राममय पूरा माहौल निर्माण हुआ है। भगवान श्री राम के प्रति उत्साह, आस्था और उमंग की कोई सीमा नहीं है। हर वर्ग में प्रभु श्री राम के प्रति दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है। माता पिता अपने छोटे बच्चों को रामलला के रूप में सजाकर घुमा रहे हैं। ऐसी ही एक छोटी बच्ची रामलला बनकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित श्री राम मंदिर पहुंची। इस छोटी बच्ची का नाम दीसीता है। दीसीता जब रामलला बनकर श्री राम मंदिर पहुंची तो उसकी सुंदरता देख लोग उसे देखते ही रह गए। फिर मंदिर के पुजारी की सहायता से दीसीता राम जानकी की मूर्ति के समीप पहुंची। कुछ देर वहां बैठने के बाद जैसे ही बाहर आई, लोगों ने उसे सेल्फी लेने के लिए घेर लिया। सिर्फ बड़े बच्चे ही नहीं, महिलाओं ने भी दीसीता के साथ सेल्फी लिया। उसकी मम्मी प्रिया ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम प्रिया चिच्चड़। बेटी का नाम क्या है जो आज राम के रूप में? मेरी बेटी का नाम दीसीता चिच्चड़, रायपुर के ही रहने। पढ़ाई अभी कृष्णा जूनियर्स में कर रही है। और आज इनको अपने राम के रूप में यहाँ पर राम मंदिर में लेके आया है, क्या कुछ कहेंगे? आज इसको राम मंदिर में लेके आए, हम हिंदू धर्म के नाते हर एक फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं और हर फेस्टिवल में इसको ऐसे रेडी करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने का इसको लेकर कितनी खुशी है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत खुशी है, काफी खुशी है। और इसको तैयार करने में कितना समय लगा? तैयार करने में आधा घंटा लगा। और क्या क्या पहनाया गया उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्या क्या सामान है? तो भगवान राम जी की ड्रेस और ये एक्सेसरीज है, ज्वेलरी, बस ये हाथ में और कुछ दिख रहा है? हाँ, ये रुद्राक्ष की माला है जो हाथ और गले में पहने। धनुष वगैरह भी है जी? धनुष वगैरह कहाँ से लाई थी? साथ में ही रेंट, जहाँ से ड्रेस ली है उस हाथ में एक्सेसरीज। और घर में भी घर का माहौल कैसा है? घर का माहौल बहुत चहेती है, पूरे परिवार की बहुत चहेती। इसके दादा दादी भी चाहते हैं कि ये ऐसे ही रहे। अरे राम भगवान के काफी खुश भी नजर आ रही है ये। हाँ, ये खुश रहती है, इन सब ड्रेसअप में ये बहुत खुश रहती है।